भाई मुश्किल में आ गए स्वामी प्रसाद मौर्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। एमएलसी और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से यूपीएसटीएफ ने पूछताछ की है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपीएसटीएफ ने स्वामी प्रसाद मौर्य से करीब एक घंटे तक पूछताछ की। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से ये पूछताछ उस ठगी के सिलसिले में हुई है जिसमें उनके निजी सचिव रहे अरमान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इसी साल अप्रैल में एसटीएफ की टीम ने अरमान को कुशीनगर के पडरौना के उसके घर से गिरफ्तार किया था। अरमान पर नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप हैं और ये मामला तब का बताया जा रहा है जब स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी सरकार में श्रम मंत्री थे और बीजेपी में हुआ करते थे। उस दौरान उनके निजी सचिव ने कुछ लोगों के साथ मिलकर श्रम विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया था। कहा जा रहा है कि इसमें जमकर पैसे कमाए गए थे और इस पूरे मामले में अरमान सहित तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य काफी चर्चा में थे। बीजेपी का दामन छोड़कर वो साइकिल की सवारी जो कर लेते हैं। हालांकि चुनाव में उन्हें फाजिलनगर विधानसभा सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा था, तब भी कई सारे सवाल उठे थे। फाजिलनगर सीट से स्वामी को सुरेंद्र कुशवाहा ने मात दी थी और एक बड़ी शिकस्त यहां पर इसे स्वामी के लिए माना गया था। आपको बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने पडरौना विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीता था, यानी कि हम बात करें 17 के चुनाव की, और 22 में उन्होंने सीट चेंज करी थी। 22 के चुनाव से पहले उन्होंने अपने कई समर्थकों के साथ, उनके कई सारे समर्थक विधायक थे, मंत्री थे, वो बीजेपी से किनारा करके सपा में आ गए थे और सबने एक ही आरोप लगाया था कि बीजेपी में दलित और पिछड़ों की अनदेखी की जाती है। बीजेपी से किनारा करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों ने सपा का दामन थामा था। कई लोगों को टिकट भी दिया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि चुनाव में दल बदल कर सपा में आए ज्यादातर नेताओं को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और वही स्वामी के साथ भी हुआ था। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने विधान परिषद जरूर भेज दिया, लेकिन एक बार फिर से अब इस केस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सवालों के घेरे में है, मुश्किल में है। वैसे सवाल तो उनके तमाम सहयोगी भी उठाते रहे हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव के जो बाकी सहयोगी, चाहे उसमें केशव देव मौर्य की हम बात करें या फिर संजय चौहान की बात करें, ये लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर पहले से ही क्वेश्चन करते रहे हैं। उसमें राजभर का भी नाम शामिल है। तो अब इस केस पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ेंगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए और तफसील से खबरों को यूपी तक .in पर पढ़ते जाइए।